नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू में क्या प्रमुख अंतर होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं एक के बाद एक। पहला, पाउडरी मिल्ड्यू, जैसा कि नाम ही से पता चलता है कि पाउडर लाइक ग्रोथ, तो पाउडरी ग्रोथ जो है प्लांट सरफेस पे देखने को मिलेगी, स्पेशली लीफ पे। डाउनी मिल्ड्यू, जैसा कि नाम ही बताता है कि डाउनी ग्रोथ आपको स्पोर्स की प्लांट सरफेस पे देखने को मिलेगी। पाउडरी मिल्ड्यू में जो सिम्टम का नेचर होता है वो नेक्रोसिस नेचर का होता है। नेक्रोसिस मतलब ये होता है कि कंप्लीट डेथ ऑफ सेल्स। डाउनी मिल्ड्यू का जो सिम्टम नेचर है वो क्लोरोसिस नेचर का होता है। क्लोरोसिस में क्या होता है, इसमें कंप्लीट सेल डाई नहीं होती है, जबकि क्लोरोफिल का लॉस होता है। पाउडरी मिल्ड्यू को ट्रू मिल्ड्यू भी कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू को फॉल्स मिल्ड्यू भी कहते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में मोस्टली जो पाउडरी ग्रोथ है वो दोनों साइड पे लीफ पे देखने को आपको मिलेगी, जबकि डाउनी मिल्ड्यू में स्पेशली जो लीफ का लोअर साइड है वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर या वेदर कंडीशन है वो होती है कूल वेदर या कूल ड्राई वेदर कंडीशन, जो आपको विंटर में देखने को मिलेगी। जबकि डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो वेदर कंडीशन है वो मानसून या कूल वेट वेदर कंडीशन फेवरेबल होती है, जो कि आपको मानसून सीजन में या रेनी सीजन में देखने को मिलेगी। पाउडरी मिल्ड्यू इराइसिफी फैमिली से काज होने वाला डिजीज होता है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू पेरनोस्पोरेसी फैमिली से काज होता है। पाउडरी मिल्ड्यू में सेप्टेट या एसिनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू में एसेप्टेट या सिनोसिटिक माइसीलियम, जो कि इंटरसेलुलर कंडीशन में ग्रो करता है, पाया जाता है, और जो हाइफा होता है वो हाईलाइन होता है। पाउडरी मिल्ड्यू में ये इक्टोफिटिक कंडीशन में पाया जाता है और बायोट्रॉफिक नेचर का होता है। इक्टोफिटिक नेचर का मतलब ये हो गया, इसका जो पैथोजन है वो प्लांट सरफेस को ग्रो करेगा, और बायोट्रॉफिक पैरासाइट का मतलब ये है कि ये सिर्फ लिविंग पे ही अटैक करेगा, मगर कुछ एक्सेप्शन ये हैं कि ये आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ सम एक्सेप्शन लिखा है। जबकि डाउनी मिल्ड्यू इंडोफाइटिक नेचर का पैथोजन है। इंडोफाइटिक नेचर ये होता है कि इसमें जो पैथोजन है वो होस्ट सेल पेनिट्रेट करता है या होस्ट सेल के अंदर ही रह के न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है, और ये भी बायोट्रॉफिक नेचर का होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो किए जा सकते हैं। इंडोफाइट में तीन प्रकार के होते हैं, एक इंटरसेलुलर कंडीशन, एक इंट्रासेलुलर कंडीशन और वैस्कुलर कंडीशन। जबकि पाउडरी मिल्ड्यू में दो प्रकार के हॉस्टोरिया प्रोड्यूज होते हैं, एक ग्लोबुलर शेप की जो जनरली इराइसिफी में पाई जाती है, जबकि एक स्पेशल डिजिटेट टाइप की जो हॉस्टोरिया है वो इराइसिफी ग्रेमिनिस में पाई जाती है। जबकि डाउनी मिल्ड्यू में विभिन्न प्रकार के हॉस्टोरिया बनते हैं, जैसे कि फिंगर लाइक, शॉर्ट ओवेट या वेसिकुलर नेचर की। पाउडरी मिल्ड्यू में जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो एस्कोस्पोर होती है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू में जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो ऊस्पोर होती है।
पाउडरी मिल्ड्यू में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर या जर्म ट्यूब से होता है। पाउडरी मिल्ड्यू में सिंपल कोनिडियोफोर ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू में कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर्स जो होते हैं वो अच्छी तरीके से ब्रांच्ड और ट्री लाइक डिटरमाइंड ग्रोथ फैशन में आपको देखने को मिलेगा। पाउडरी मिल्ड्यू के कुछ प्रमुख एग्जांपल, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी जो इराइसिपी पॉलीगनिस है, और पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल जो पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका से काज होता है। डाउनी मिल्ड्यू के कुछ प्रमुख एग्जांपल, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकरबिट्स जो कि स्यूडो पेरनोस्पोरा क्यूबेंसाई, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेपवाइन प्लाज्मोपारा विटिकोला, और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा जो कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोलजना से काज होने वाला एक डिजीज है। पाउडरी मिल्ड्यू को आसानी से मैनेज किया जा सकता है क्योंकि ये एक्टोफाइटिक नेचर में या सुपरफिशियली ग्रो करता है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये एंडोफिटिक कंडीशन में ग्रो करता है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज के लिए लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इस प्रकार के और भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।